को बुरा भला भी कहना है, काफिर भी कहना है, और सबसे ज्यादा मुसलमान जो है ना महफूज अमेरिका में है। आप चाइना की बात, इस्लामोफोबिया की बात होती है, मैंने बीच में कहा था खान साहब का एक और इस्लामोफोबिया कार्ड है, अभी हमारे कनाडा में प्रॉब्लम हुआ, खान साहब वहां से बोल रहे हैं। भाई आप ये बताएं, कभी चीन के बारे में तो आपने बोला नहीं, 1 मिलियन से ज्यादा वीगर मुस्लिम जो हैं वो कंसंट्रेशन कैंप्स में रहते हैं, और आपको पता है? कैसे हो सकता है ना पता हो? आपसे पूछते हैं अल जजीरा वाले, आपसे पूछता है यूरो इंग्लिश टीवी, आपसे सभी पूछते हैं, तो आप कहते हैं वी डोंट नो, हाँ हमें पता ही नहीं है। कनाडा में 4 लोग मारे जाते हैं, जो कि अफसोसनाक बात है, वो हम कैनेडियन का मसला है, हम लड़ेंगे, किसी किस्म की भी नफरत इस मुल्क में पैदा होगी, वो खासा वहां से बयान दे रहे हैं बैठे। भाई आप जब कनाडा के बारे में बयान दे रहे हो तो जरा चीन के बारे में भी बयान दे दो। लेकिन वो ये नहीं है कि चीन से कोई मफाद है खान साहब को, फियर है कि भाई आफ्टर ऑल अगर अमेरिकन और अरब्स भी हमारे साथ ना रहे, ये अगर आए भी हमारे साथ तो बहुत ही टेम्परेरी बुनियादों पर आए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर चीन रह जाएगा। लेकिन आपने और मैंने देखा अप्रैल में चीन ने $6 बिलियन का लोन इनकार कर दिया, उन्होंने कहा आपकी इकॉनमी बहुत बुरी हालत में, हम नहीं देते। तो जब वो लोन नहीं दे रहे, अमदाद तो दूर की बात है जी साहब। बिल्कुल, ये इसमें ताहिर साहब ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान को जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थी वो चाइना के अलावा ऑफर कोई नहीं कर सकता था। फिर जो हमारे हमें चीजें चाहिए थी हमने तो ले ली, या बिजली नहीं थी, आपको पता है आज से 5-7 साल पहले जब 2013 में सीपैक का ये प्रोजेक्ट आया तो यहाँ पे क्या बुरे हालात थे, बड़ी मुश्किल से बिजली पूरी की है और इंफ्रास्ट्रक्चर लगे। अभी थोड़ी हमें उम्मीद है कि एटलीस्ट इस पे थोड़ी ग्रोथ हो सकती है। वो जो चाइना को हमने देना है वो तो हमें पता ही नहीं ना क्या देना है, ना ही कोई चाइनीज के साथ डायलॉग ही ये है, ना पीएमएलएन वाले बताते थे ना ये बताते हैं, जारी बात है। आखिरी छोटा सा सवाल अभी आपकी डिस्कशन से मेरे जेन में आया, वो इस्लामोफोबिया वाला, मैं तो इस पर बड़ा क्रिटिकल हूँ। आप ये बताइएगा सर कि मुझे ऐसे पता चलता है और मैं बोलता भी रहता हूँ कि मगरब बड़ा क्रिटिकल है इमरान खान साहब की, ये जो बड़ी हार्ड लाइन ली है इस्लामोफोबिया में, बल्कि रिसेंटली जब ये क्राउन प्रिंस से मिलने गए हैं तो जो क्राउन प्रिंस से मुलाकात हुई उसमें जो प्रेस रिलीज बाहर रही उसमें इस्लामोफोबिया का जिक्र नहीं था, ये सऊदीज ने वो छांटी कर दी लफ्ज। जब वो ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी में मिले से मिले तो पहली लाइन में इस्लामोफोबिया की थी। सो मगरब अमेरिका कनाडा कैसे देखता है इमरान खान साहब की इस रेटरिक को इस्लामोफोबिया के, आप समझते हैं कि इससे मसाइल मजीद पाकिस्तान के लिए पैदा हो सकते हैं? देखिए मगरब कनाडा और जो यूरोप है वो तो बल्कि इमरान खान को सवाई फ्रांस के इस हवाले से बहुत क्रिटिकल नहीं देखते, वो तो खुद कंसर्न होते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो थोड़ा बहुत इस्लामोफोबिया कहीं भी उठता है हमने उसको दबाना है, क्योंकि हम कैनेडियन ने अमेरिकन ने अपने मुआशरों को बेहतर रखना है, तो हमें तो ये बात कोई बहुत फ्रैंकली नहीं चुपती। हालांकि इमरान खान साहब से बड़ी आसानी से पूछा जा सकता है कि भाई जो 72-73 साल से कोट अनकोट काफरोफोबिया चल रहा है वहां पे पाकिस्तान में, मतलब वहां की टेक्स्ट बुक्स चिमा साहब आपने भी पढ़ी हैं और मैं शायद आपसे उम्र में कुछ बड़ा हूं, वहां पे जिस तरह के शर्मनाक अल्फाज दूसरे मजाहिब के लिए बरते जाते हैं, शर्म आती है, सर झुक जाता है। अच्छा उनको तो छोड़िए, जिस मुल्क की दीवारों पे लिखा हो काफर काफर शिया काफर, तो मेरा तो सर शर्म से झुक जाता है कि यार क्या मतलब। मैंने एक दफा अलामा तालिब जौहरी मरहूम से पूछा, मैंने कहा वो बहुत ही विटी आदमी थे, मैंने कहा सर ये काफर काफर शिया काफर से क्या मुराद है? तो मुझे कहने लगे देखो भाई बात यह है कि इसका मतलब यह है कि एक शिया त्रै काफर के बराबर है, ठीक है ना, तो इतने दुख की बात है, ठीक है ना, मतलब वो मतलब उन्होंने मतलब ह्यूमर के अंदाज में कहा था जो आप उन्होंने मतलब तंज के अंदाज में कहा कि भाई यहां पे अब ये हालात है, वो ये कहना चाहते थे कि एक शिया को त्रै काफर के बराबर बना दिया है कि काफर काफर शिया काफर हजारा का जो वाक्य हो, मतलब ये ऐसे दुख भरे चीजी मतलब हालात है। तो मुझे उस मुल्क के फॉरन मिनिस्टर या चीफ मतलब चीफ ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर हो प्रेसिडेंट हो जो भी हो, मुझे उससे जब वो ये बात करें कि जिस मुल्क की टैक्स बुक्स में ये लिखा हुआ हो कि भाई ये जो हिंदू बनिया है ये फला है डीम है, मतलब डेरोगेटरी, जिस मुल्क के पासपोर्ट के लिए मतलब जो अहमदी है वो उसको डिक्लेयर करना पड़े कि मैं गैर मुस्लिम हूं, भाई मेरा ये ईमान है, मैं मजहबी आदमी, मेरा ये ईमान है कि हर शख्स को अपने बारे में हक होना चाहिए, वो जिस तरह चाहे अपने आप को पेंट करे, वो कही जी कि मैं अहमदी मुस्लिम दैट्स फाइन, वो उसका उसके खुदा का मामला है, कोई कही जी मैं शिया मुस्लिम उसके उसके खुदा का मामला, कोई कही जी मैं हिंदू हूं वो उसके और उसके भगवान के बीच में, हु द हेल अदर्स आर,
ठीक है। अब ये खान साहब का जो इस्लामोफोबिया का कार्ड है ना, ये बदकिस्मती से और रियलिटी के तौर पर ये एक पॉलिटिकल कार्ड है और डिस्ट्रैक्शन का कार्ड है, यानी पाकिस्तान की वो जो अवाम, इनको ये बताना है मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूँ। भाई इमरान खान आपके लिए फाइट नहीं कर रहे, इस्लामोफोबिया पाकिस्तान में कहाँ होगा? पाकिस्तान तो मेजोरिटी मुस्लिम का कंट्री है ना, पाकिस्तान में तो काफरोफोबिया है। तो इमरान खान का ये जो इस्लामोफोबिया का कार्ड है, इस पे कनाडा को भी कोई इतराज नहीं होगा। कनाडा कहता है भाई हम तो खुद इसको अगर जहीं कहीं कहीं भी इस्लामोफोबिया तो हमने उसको तो दूर करना है, क्योंकि वो तो हमारा मिशन है कि किसी किस्म की नफरत नहीं होनी चाहिए। अमेरिका का भी यही मिशन है कि नहीं होनी चाहिए, यूरोपियन यूनियन का भी यही है, फ्रांस का भी यही है। मगर फ्रांस चूंकि पाकिस्तान से इस्लामोफोबिया के इस कार्ड पे इसलिए नाराज है कि पाकिस्तान ने भड़काने की कोशिश की है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने फ्रांस के खिलाफ, तो वो फ्रांस को बात पसंद नहीं है। तो ये तो देखिए, इस्लामोफोबिया हो, हिंदू फोबिया हो, काफरोफोबिया हो, एंटी सेमिटिज्म हो, ये कोई भी चीज काबिले कबूल नहीं होनी चाहिए। हर चीज इनमें से, हर चीज, हर किस्म की नफरत, एशियन के खिलाफ नफरत हो, ब्लैक्स के खिलाफ नफरत हो, हमारे नेटिव्स के खिलाफ नफरत हो, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन आइडियल समाजों में नहीं होनी चाहिए। और एटलीस्ट हम कनाडा अमेरिका में बैठे हुए ये दावा नहीं अगरचे कर सकते कि हर चीज बहुत ही परफेक्ट हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ एक एहसास रहता है, हम लड़ते रहते हैं नफरतों से और हम सिंसियरली लड़ते रहते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में देखते हैं तो ये बात बहुत बड़ा झूठ है कि जो बात इस्लामोफोबिया की वहां के हेड ऑफ स्टेट करते हैं, वो चीन से तो पूछ नहीं सकते, जिनके अपने मुल्क की सड़कों पर चलिए, हिंदुओं को क्रिश्चियन को छोड़ दीजिए, जिनके अपने मुल्कों की सड़कों की दीवारों पर लिखा हुआ हो काफिर काफिर शिया काफिर, उसके बाद अगर शाह महमूद कुरैशी ये बात उठाएं, इमरान खान ये बात उठाएं, तो मैं उनसे कहूंगा कि आपको शर्म आनी चाहिए। सही कह रहे हैं, ये एक बड़ी शर्मनाक बात है कि हमने अपने लोगों के लिए तो जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए और स्टैंडर्ड रखा है, उनको हम पूरे सिटीजन भी नहीं समझते और उनको एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर देखना पड़ता है, और हम मगरब में जाके कहते हैं कि जो है हमें वही हकूक दो जो जो है वो तुसी इंजॉय करन रहे हो। तो ऑब्वियसली ये एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इसको हमें रीड करना चाहिए, समझना चाहिए, और ये अवाम ही कर सकती है, और अवाम तो इस तरह के नारे को वैसे ही बड़ा पसंद करती है। तो लीडर को तो खून मिलता है, उसको तो जैसे एनर्जी मिलती है जब वो हेट फैलाते हैं, अवाम उनको और हवा देती है। बट एनी हो, लेकिन आखिरी एक दो पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूँ सर, और वो ये है कि ये जो G7 में बात हुई है कि जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W की बात हो रही है, जिसमें वो चाइना कह रहा है, ये सारे G7 और इंडिया और साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ये सारे मिलके ये बात कर रहे हैं जनाब कि हम कोई 41 trillion dollars का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दुनिया को देते हैं। गो के कहने को तो ये कहा जा रहा है कि इंक्लूडिंग G7 दुनिया को 90 trillion dollars का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन फिर भी दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ होप व्हाट दे आर गिविंग। सो हाउ डू यू सी पाकिस्तान, क्या इसमें वो जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है ताहिर साहब, वो ये है कि जो हमारा इंप्रेशन है वो ये है कि हम बिल्कुल ही चाइनीज साइड पे चले गए हैं, और मगरब को भी हम ये बताना चाह रहे हैं बार बार, अमरीका को, इंग्लैंड को हम मैसेज भेजते रहते हैं कि देखिए हमारे साथ आपका पुराना ताल्लुक है, हम कोल्ड वार में भी आपके साथ थे, हमने पुरानी जड़ें भी हमारी आपके साथ हैं, तो साढ़े ना लेंज करना करना सानू पुलना ना। तो आप डू यू थिंक कि ये जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है इसमें कोई हमें भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाइक CPAC मिल सकती है अगर हम थोड़ी मजीद स्पेस देते हैं अमरीका को और यूरोप को G7 को? देखिए बात यह है कि हमारे पास इस बात का कोई ज्यादा अख्तियार चीमा साहब नहीं है कि हम उनको स्पेस ना दें, पहली बात। दूसरी बात, मेरी राय में हम उनको स्पेस देना भी चाहते हैं। CPAC में वो जो $62 billion की एक पोटेंशियल मदद आनी थी वो रुक रुक के को 20-22 billion dollars तक आई है, और उसमें से भी नंबर्स का पता नहीं चल रहा कि कितनी कहाँ खर्च हुई है। जैसे आप देख लीजिए पंजाब के वो पावर प्लांट्स हैं, कुछ उस पर कहा जाता है $4-5 billion लगे होंगे, कुछ उस सड़क पे जितनी कब तक मुकम्मल हुई है लगे होंगे, बाकी बहुत सारा पैसा ऐसा है जिसके बारे में गैस किया जा रहा है कि वो आया चीन से और चीनी कंपनियों के जरिए ही चीन को ही वापस चला गया, और ये कोई एड भी नहीं थी। अब एड अमरीका से तो जैसे वो 9/11 के बाद $33 billion प्लस वो जो एक US फोर्ड फंड था वो सारे का सारा मदद ही था, वो कोई लोन वोन भी नहीं था। तो इधर से अब तक जो बुक्स में है वो 20-22 billion है, और जो नजर आता है वो 8-10 billion है, बाकी का पता ही नहीं चल रहा, और कर्जा सर पे चढ़ गया।
यानी इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि चीन का इंटरेस्ट ही साल का कोई 1.5 से 2 बिलियन डॉलर बनना शुरू हो जाएगा अगले 2022 तक, रफली मैं ये बता रहा हूँ नंबर्स। और चीन अब वो मतलब मदद के तौर पर आप देने को तैयार नहीं होता। चीन का ये हार्ड लोन है, वो तो कई ममालिक में, अफ्रीका में, हमने श्रीलंका में, मालदीव में देखा, उन्होंने टेरिटोरियल क्लेम भी कर दिया।